वेलकम एवरीवन इन टेक रेस, मैं हूं अली उस्मान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि मार्केट में है ट्रेंडिंग और मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट होने की वजह से आखिरकार हम भी इसकी अनबॉक्सिंग ले ही आए हैं। काफ़ी टाइम से व्यूअर जो है कमेंट्स भी कर रहे थे और मैसेजेस भी कर रहे थे कि जल्द अज जल्द जो है T5 और T500 वॉच की अनबॉक्सिंग लेकर आए। अगर हम T500 वॉच की अनबॉक्सिंग भी ले आए हैं तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है T500 स्मार्ट वॉच जो कि एप्पल सीरीज़ 5 का जो सेम क्लोन है, 100% सेम उसका डिज़ाइन है, लेकिन क्वालिटी तो उसकी सेम नहीं हो सकती, लेकिन उसकी 500% लो प्राइस है। अगर आप alibazaar.pk पे जाएं तो आप वहाँ पे T500 वॉच को देख सकते हैं और पाकिस्तान की सबसे कम और अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलेगी 7 डेज़ की फ्री रिटर्न पॉलिसी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है T500 स्मार्ट वॉच का बॉक्स। देखा जाए तो बॉक्स जो है काफ़ी प्यारा बनाया गया है। इसका बॉक्स हार्ड बॉक्स है। अगर हम इसकी डिलीवरी वगैरह भी करें तो हमारे प्रोडक्ट को कोई लॉस वगैरह भी नहीं होगा। पर एक डायल बना हुआ है जो वॉच का डायल है। ये कलर है यानी कि इसके अंदर ब्लैक कलर अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच T500 यानी कि T500 मॉडल है। साइड पे फ्रंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे एक डॉट आता है, जब हम इसमें फिंगर को एंटर करते हैं तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट सामने आता है जो कि है T500 वॉच। ये आ गया इसका स्ट्रैप। देखा जाए स्ट्रैप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये अनब्रेकेबल स्ट्रैप है, जल्दी टूटेगा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगा। और ये आ गया हमारा इसके पास, ये इसके बाद हमारे पास आ गया इसका दूसरा स्ट्रैप, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जबकि दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये फोम आ गया हमारे पास इसका और ये हमारा मेन डायल आ गया। अगर आप हमारे वॉच को देखें तो ये काफ़ी जो है खूबसूरत इसकी शेप बनाई गई है। अगर आप गूगल पे जाएं वहाँ पे एप्पल की वॉच सीरीज़ 5 को सर्च करें तो आप देखेंगे कि इसका सेम वही डिज़ाइन है। यहाँ पे बैक साइड पे लिखा हुआ है एप्पल सीरीज़ 5 वॉच ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। ये इसके चार्जिंग डोर्स हैं जहाँ से आप इसको चार्ज पे लगा सकते हैं। चार्जिंग केबल इसके बॉक्स के अंदर इंक्लूड है। अभी हम चेक करते हैं उसको। यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ है तो इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम अपने देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या बॉक्स में अवेलेबल है। ये आ गई हमारे पास चार्जिंग केबल इसकी, ये हमारे पास इसकी चार्जिंग केबल आ गई जो कि आप देख सकते हैं। ये डोर्स हैं इसके जहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ये माइक्रो USB है और ये आ गया हमारे पास मैनुअल और काफ़ी लंबा चौड़ा मैनुअल है। अगर दिल करे तो आप रीड भी कर सकते हैं। चलिए अब अपनी वॉच को एडजस्ट करते हैं। स्ट्रैप्स इसके लगाते हैं वॉच के। ये आ गया मेरे पास इसका पहला स्ट्रैप। चलिए इसको लगाते हैं स्ट्रैप को। और ये स्ट्रैप जो है काफ़ी आसानी से इसका स्ट्रैप लग गया है। ये उतर भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। आप इसको जब चाहें जैसे चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रैप को। अब ये दूसरे स्ट्रैप की बड़ी आ गई। ये देखें यहाँ पे इसके लॉक्स वगैरह जो अंदर जाके फिक्स हो जाएंगे, यानी कि इसका खुलने का भी डर नहीं होगा। ये जिस तरह से इसको लगा रहा हूँ मैं वैसे ही ये ओपन भी होगी। ये देखिए हमारे ये जो हैं स्ट्रैप्स लग गए हैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैं इसको खींच भी रहा हूँ, देख सकते नहीं निकल सकता। ये जैसे लगाया गया है वैसे ही ये ओपन होगा। चलिए वॉच को ऑन करते हैं, आखिर इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। तो ये मैंने इसका बटन प्रेस किया है। तो आपने ये बटन प्रेस करना है जिससे ये आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। आपने तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक ओपन करना है। तो ये हमारे पास इसका जो है ऑन होने का ऑप्शन आ गया। तो यहीं से पता लग जाता है कि ये चाइनीज़ वॉच है। वो सबसे पहले आपसे अपना लैंग्वेज का कहेगा ऑन नो, फ्रेंच सेलेक्ट हो गई मुझसे बाय मिस्टेक। चलें कोई मसला नहीं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी ये डिस्प्ले आ जाता है जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं। फुल जो है टच स्क्रीन है ये। ये देखें बिल्कुल एप्पल वाला स्टाइल है, ज़बरदस्त किस्म का 100%। आखिर चाइना ने एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। और ये बटन से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा कि मोबाइल का सिस्टम होता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसका मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर हैं इसके SMS,
तो इसको हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से। इसकी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैनुअल के अंदर हमारे पास इसका जो है वो QR कोड है, यहाँ से स्कैन करके आप इसकी ऐप डाउनलोड करके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ कि कभी भी ब्लूटूथ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी ये वॉच जो है, आपको हमेशा पहले ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर ये कनेक्ट होगी। सो मैसेजेस का हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि अगर हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो हम यहाँ से उसे रीड भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी है, हम यहाँ से किसी को कॉल भी कर सकते हैं और उसकी कॉल सुन भी सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, हमारे पास ट्विटर का ऑप्शन है, हमारे पास बेबहा ऑप्शन है। तो इस बटन से हम बैक भी जा सकते हैं। अगर हम इसको अप करें तो हमारे पास ये आता है इसकी वाइब्रेट लगा लें, ब्लूटूथ बंद कर लें, कैलकुलेटेड भी दे दिया गया है इसी वॉच के अंदर। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर लें या इसकी लाइट को कर लें, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। और मैं एक और बात बताता चलूँ, इस वॉच की जो बैटरी टाइमिंग है वो 3 से 7 दिन के दरमियान है। तकरीबन 2 घंटे आप इसको चार्ज करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं लगातार रेगुलरली।